वहीं जलालपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे युवा नेता आशीष पांडे ने कहा कि युवा जिस तरह होता है चुनाव का रुख भी उसी तरह का नजर आता है। तो जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने चरम पर है इस वक्त, मैं जलालपुर विधानसभा सीट पे हूँ, मेरे साथ आशीष पांडे जी। आशीष जी, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स है और क्या लोग आपसे क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, रिस्पॉन्स तो इतना बढ़िया है कि हमें हर समुदाय में, अपने समाज में या जलालपुर में जितने समुदाय हैं, जितने जातियां हैं, बिरादरियां हैं, सब लोग खुल के हमारे साथ आ गए हैं। और इस समय माहौल ऐसा है माननीय अखिलेश जी का कि जनता एकदम बदलाव चाह रही है, और उस बदलाव के लिए वो स्वयं आगे आ रही है। हमको जाके लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है कि आप हमें वोट दीजिए या किन ग्राउंड्स पे दीजिए, जनता खुद चाह रही है कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा कि जो बड़े मुद्दे हैं वो असर कर रहे हैं कि लोकल मुद्दे? बड़े से लेकर छोटे तक हर जगह भाजपा विफल हुई है, चाहे वो देश की सुरक्षा का मैटर हो, चाहे पेंशन स्कीम की बात हो। जो अगर आप मैनिफेस्टो देखें समाजवादी पार्टी का, तो आपको एहसास होगा कि जो उन्होंने मुद्दे लाए हैं, जो उन्होंने जनता के लिए चीज़ों का वादा किया है, वो जनता को छू लेने वाली चीज़ें हैं। अच्छा। जैसे कि जी, जैसे क्या इशू छू रहा है? जैसे कि लड़कियों की बात कर लें, लड़कियों की बात में नर्सरी से लेके एमए तक उसकी पढ़ाई फ्री है। जनरली गांव में जो लोग गरीब होते हैं उनके यहाँ होता क्या है कि 12वीं के बाद उनको पढ़ाई के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ताकि वो बच्चे प्रोत्साहित हों तो 12वीं पास करते ही 36,000 रुपये, उसके बाद तुरंत अगर वो बीए करती है तो लैपटॉप, ताकि वो प्रोत्साहित रहे। कॉलेज दूर होते हैं तो उतनी दूरी तक, उतनी गहराई तक उसको सोचा गया है कि वो लड़की कॉलेज पढ़ने जाएगी तो उसकी बस यात्रा भी फ्री है। फिर आ गई बात ओल्ड पेंशन की। ओल्ड पेंशन का मैटर, जिसके घर में जिसने 20-30 साल काम किया नौकरी, उसकी फ्यूचर की कोई सुरक्षा नहीं है उसके पास। एक, उसको पेंशन दोबारा अगर चालू होगी तो उसकी फ्यूचर, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षा रहेगी। अच्छा, आप बड़े कुशल नेता की तरह आप घोषणा पत्र बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि नेतागिरी नहीं आई है, लेकिन आ गई है पूरी नेतागिरी आपने। अब भाई साहब, 22 साल से मैं नेतागिरी कर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मेरा 7वां चुनाव है जिसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो इतना तो बोलना ही है। अच्छा आशीष, दिक्कत नहीं होती होगी कि पिता समाजवादी पार्टी में है, भाई बसपा में है, तो घर में जब आप मिलते होंगे तो आपको दोनों का, आपको भी बसपा के लिए वोट मांगना मुश्किल होता होगा, सपा के लिए, ये क्या टिपिकल हो जाता है कॉम्बिनेशन? देखिए, टिपिकल नहीं होता, शायद आप भूल गए हैं कि हमारे भाई दोनों मोर्चे का जब गठबंधन था तो दोनों के सांसद हैं। तो जो बसपा का कार्यकर्ता है वो भी उनसे जुड़ा हुआ है, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी उनसे जुड़ा हुआ है, और वो सबके काम करते हैं। देखिए, बड़ा ट्रिकी आंसर आपने दिया, बहुत चलाकपूर्ण आंसर दिया। मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो तो हाथी पे है, ये साइकिल पे है, तो पिता पुत्र में, दोनों लोगों में कभी घर में कोई विवाद तो नहीं हो जाता? आपको शांत कराना हो कि भाई दोनों लोग चुप हो जाइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता घर में, ऐसा कोई हमारे कोई ऐसा माहौल नहीं रहता। और रितेश जी भी इस समय मौके पर है नहीं यहाँ पे, वो दूसरी जगह उनकी चुनाव में ड्यूटी भी लगी हुई है, तो यहाँ पे वो कम ही रहते हैं, तो ऐसे कोई विवाद की बात नहीं। अच्छा, जानबूझ के दूसरी जगह ड्यूटी लगवा ली है? वो बहन जी जाने। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आशीष पांडे जी ने साफ तौर पर कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है और चुनाव में जमीनी मुद्दे काम कर रहे हैं। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन टीवी, जलालपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।